दोस्तों पिछले साल एरो इंडिया 2019 एयर शो में जब अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत को MMRCA 2.0 टेंडर के लिए F-16V के जगह में F-21 एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया, तब से ही लगभग हर एक के मन में ही F-21 एयरक्राफ्ट को लेकर कई सारा सवाल जगने लगा था। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्यों अमेरिका द्वारा भारत को F-16 के जगह में F-21 एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया, और क्या F-21 एयरक्राफ्ट वास्तव में एक नया एयरक्राफ्ट है और ये टोटली F-16 से अलग है। जबकि बहुतों के मन में सवाल ये भी है कि अगर F-21 F-16 से अलग है तो कितना अलग है और ये F-16 एयरक्राफ्ट से कितना बेहतरीन है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि भारत को अमेरिका ने क्यों F-16 के जगह में F-21 एयरक्राफ्ट का ऑफर किया और ये एयरक्राफ्ट F-16 से कितना अलग और कितना बेहतर है। एरो इंडिया 2019 एयर शो में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा सबसे पहली बार F-21 नामक एयरक्राफ्ट का घोषणा किया गया, जिसे इंडियन एयरफोर्स के लिए MMRCA 2.0 टेंडर में शामिल करने के साथ साथ अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का यह भी कहना था कि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ इंडिया के लिए है और इंडिया के लिए ही इसे बनाया जाएगा। जबकि उनके तरफ से ये भी कहा गया था कि इंडिया के मेक इन इंडिया के शर्त को मानते हुए इन एयरक्राफ्ट को टोटली भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इससे पहले MMRCA 2.0 टेंडर और MMRCA का पहला टेंडर में लॉकहीड मार्टिन द्वारा अपने F-16 का वी वर्जन मतलब F-16V को पेशकश किया गया था, जो ऑलरेडी बहुत सारे देशों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन एयरक्राफ्टों का वी वर्जन को भी हाल ही में ताइवान, बहरीन, ग्रीस, स्लोवाकिया और साउथ कोरिया द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इंडिया को F-16 के जगह में F-21 का पेशकश करने का मतलब ये है कि F-16 से F-21 ज्यादा बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। जबकि बहुत लोगों का सवाल ये भी है कि क्यों अमेरिका पहले टेंडर के समय F-16 के जगह में कोई नया एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं किया था। दोस्तों इन सवालों के जवाब ढूंढने जाए तो सबसे पहले हमें MMRCA का टेंडर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकने के लिए और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को मॉडर्नाइज करने के लिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर इशू किया गया था, जिसका नाम मीडियम मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MMRCA रखा गया। इस टेंडर के तहत टोटल 126 एयरक्राफ्ट खरीदना था, जिनमें अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा F-16 के अलावा बोइंग कंपनी के द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट, यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी का बनाया हुआ यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांस द्वारा डिजाइन किया हुआ डेसॉल एविएशन का रेफेल, स्वीडन का साब JS-39 ग्राइपिन ई और रशियन कंपनी मिकोयान का MiG-35 एयरक्राफ्ट भी शामिल था। इस टेंडर का प्रोसेस बहुत लंबा चला और आखिरकार इंडियन एयरफोर्स द्वारा इन एयरक्राफ्टों में से रेफेल एयरक्राफ्ट को चुना गया। दोस्तों रेफेल एयरक्राफ्ट को चुनने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस टेंडर में 126 एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा गया, बल्कि सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट ही इंडियन एयरफोर्स को मिलना संभव हो पाया। पहला MMRCA के टेंडर में जहां पे रेफेल एयरक्राफ्ट सिलेक्ट होने के बाद बाकी कंपनियों का एक्सपेक्टेशन पूरा पूरी डूब गया था, वहीं पे सिर्फ 36 रेफेल खरीदने के बाद ये एक्सपेक्टेशन फिर से उभर के सामने आने लगा, और यही से शुरू हुआ MMRCA 2.0 टेंडर का सफर, जहां पे एस्केलेशन लगाया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकने के लिए और 42 क्वाड्रेंट को बरकरार रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीबन 110 से 114 नया फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जिसमें इन पुराने टेंडर में शामिल हुए हर एक कंपनी फिर से एक बार पार्टिसिपेट करने जा रहा था। पर इन कंपनियों के मन में एक ही डर सता रहा था, क्योंकि इन कंपनियों द्वारा पहले भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया गया था, जहां पे रेफेल टेंडर का विनर बन के सामने आया था। रेफेल को टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट था और वो था यूरोफाइटर टाइफून। पर इस बार यूरोफाइटर टाइफून इसीलिए बिछड़ गया क्योंकि मेक इन इंडिया क्लॉज में यूरोफाइटर टाइफून के लिए टिक पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे देशों के कंपनियों द्वारा जॉइंटली डिजाइन और डेवलप किया गया है, और ये इंडियन एयरफोर्स के साथ पूरा पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ सही मायने में काम नहीं कर पाएगा। अब बाकी कंपनियों की तरफ से जहां पे MMRCA 2.0 टेंडर को जीतने का प्रयास किया जा रहा था, वहीं पे सबसे ज्यादा प्रयास चलाया गया लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। लॉकहीड मार्टिन जहां पे पहले ही समझ चुका था कि उसका F-16V वर्जन इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए लॉकहीड मार्टिन द्वारा फिर से एक ऑफर करते हुए इंडियन एयरफोर्स को एक नया एयरक्राफ्ट मतलब F-21 का पेशकश किया गया। लॉकहीड मार्टिन द्वारा दावा किया गया कि ये एयरक्राफ्ट F-16V से टोटली अलग है और इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए ही इसे डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। जबकि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 और F-22 को डिजाइन करने का एक्सपीरियंस है, उसी बेस पे लॉकहीड मार्टिन द्वारा ये भी दावा किया गया कि F-21 एयरक्राफ्ट में इन दोनों एयरक्राफ्टों का इक्विपमेंटों को इनहेरिट करके इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का कंपोनेंट रहने का संभावनाएं बढ़ गया। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन द्वारा ये संभावनाएं इसीलिए जताया गया क्योंकि इस टेंडर में शामिल हुआ किसी भी एयरक्राफ्ट के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है और ना ही कोई दूसरे कंपनी द्वारा अब तक कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना संभव हो पाया है। दोस्तों बेसिकली लॉकहीड मार्टिन द्वारा रफेल को हराने के लिए ही F-21 का पेशकश किया गया है, पर सवाल अभी भी वहीं पे अटक रहा है कि F-21
F-21 से इंडियन एयरफोर्स को क्या फायदा होगा और F-16 से F-21 कैसे अलग है। दोस्तों F-16 को 1978 में दुनिया के सामने लाया गया था और ये दुनिया में MiG-21 के बाद इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट है। ये लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया हुआ फोर्थ जनरेशन का सिंगल इंजन सिंगल पायलट मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे वर्ल्ड वाइड करीबन 26 से भी अधिक देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा करीबन 3,500 से भी अधिक एयरक्राफ्ट दुनिया में अभी भी ऑपरेशनल है। दुनिया के बड़े बड़े एयरफोर्सों द्वारा इसे अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका कार्य क्षमता बहुत सारे न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट से काफी बेहतरीन है। पर इंडियन एयरफोर्स के नया जनरेशन का जरूरतों को देखते हुए एक्सपर्टों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1978 में बनाया हुआ ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आने वाले कितने दशक तक सर्व कर पाएगा। मतलब ये एयरक्राफ्ट कार्य क्षमता में तो बेहतरीन हो सकता है पर क्या ये एयरक्राफ्ट फ्यूचर के चैलेंजों को एक्सेप्ट कर सकता है। राफेल एयरक्राफ्ट जहां पे 36 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के बाद और 36 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के लिए अपना भागीदारी को मजबूत कर रहा है, वहीं पे लॉकहीड मार्टिन द्वारा हाल ही में खुलासा किया गया है कि F-16V भी बेसिक F-16 से काफी बेहतरीन है। F-16 का बेसिक वर्जन जहां पे एक 8 टन वजनी फाइटर एयरक्राफ्ट है, वहीं पे F-16V एक 10 टन वजनी एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट में ट्रेडिशनल रडार के जगह में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला वेपन पैकेज भी पहले के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला वेपन पैकेज से काफी बेहतरीन और दूर तक हमला करने में सक्षम है। अमेरिका द्वारा ये भी दावा किया गया है कि F-16V से F-21 और बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जिसमें और एडवांस तरीन रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, वेपन पैकेज, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और दुश्मनों के हथियारों को नाकाम करने का क्षमता के साथ साथ दुश्मन के रडार से छुपने का भी क्षमता है। हाल ही में लॉकहीड मार्टिन द्वारा अपने वेबसाइट में F-21 का स्पेसिफिकेशन को बताते हुए ये भी कहा गया है कि F-21 एयरक्राफ्ट द्वारा भारी भरकम हथियार और पहले के तुलना में ज्यादा वजन के हथियार को ढोने का क्षमता है, जबकि इसमें इंडियन स्पेसिफिक रडार और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है जो इंडिया के टेरेन को देखते हुए एक सुइटेबल इक्विपमेंट है जो आसानी से इस तरीके का वेदर और जियोग्राफिकल कंडीशन को झेल सकता है और इसमें एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट साबित होगा। इसके अलावा एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसा तब्दीली भी किया गया है जो आसानी से इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के साथ तालमेल मिला सके और इन सिस्टमों में रिफ्यूलिंग प्रॉप से लेके कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस भी शामिल है। इंडिया द्वारा अब तक कभी भी अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल नहीं किया गया है और इंडिया बेसिकली रशियन और फ्रेंच एयरक्राफ्टों को ही इस्तेमाल करता है और इस वजह से इंडिया द्वारा अमेरिकी एयरक्राफ्टों को अडॉप्ट करना काफी मुश्किल बन सकता है क्योंकि इसके लिए इंडिया को अपना पूरा सेटअप तब्दील करना पड़ सकता है या फिर अपग्रेड करना पड़ सकता है क्योंकि अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने का प्रोसीजर और टेक्निक रशियन या फिर फ्रेंच एयरक्राफ्टों से पूरा पूरी अलग है। और लॉकहीड मार्टिन द्वारा इसे इंडिया के मुताबिक तब्दील करने का मतलब यह है कि लॉकहीड मार्टिन के लिए कम से कम एक स्टेप क्लियर हो चुका है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि F-21 पूरा पूरी अलग एयरक्राफ्ट है और ये F-16 से ज्यादा एडवांस और मॉडर्नाइज है तो इसका चुनने का संभावना कितना है। सही तरीके से अगर देखे तो अब तक जितना भी इंडिकेशन आया है माना जा रहा है कि इस टेंडर में भी राफेल बाजी मार जाएगा क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले भी इन एयरक्राफ्टों में से राफेल को चुना गया था, जबकि इस बार राफेल की तरफ से प्राइस को लेके भी थोड़ा बहुत कंसेशन देने का वादा किया गया है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया पे कर चुका है, जबकि इंडिया अगर 36 एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट खरीदता है तो इंडिया को ये पेमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटी को भी डेवलप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और इन कुछ मामलों की वजह से अभी भी राफेल को ही MMRCA 2.0 टेंडर के लिए सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। जबकि सुनने को ये भी आ रहा है कि जो पहला डील में राफेल की तरफ से ऑब्जेक्शन था, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसे लेके भी राफेल बहुत बड़ा डिसीजन ले चुका है। मतलब फ्रांस इंडियन एयरफोर्स को राफेल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए राजी हो चुका है और इसमें कंडीशन स्वरूप एटलीस्ट 100 एयरक्राफ्ट परचेज का बात किया गया है। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स MMRCA 2.0 टेंडर में करीबन 110 से 114 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। मतलब इस बार राफेल का संभावना पिछले बार के तुलना में और ज्यादा बढ़ चुका है। जबकि अगर F-16 या F-21 इस टेंडर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता तो अमेरिका के तरफ से कभी भी और एक एयरक्राफ्ट को इसमें ऑफर करने का पेशकश नहीं किया जाता। दोस्तों हाल ही में आप सब लोगों को पता चला होगा कि अमेरिका भारत को F-16EX एयरक्राफ्ट ऑफर करने का भी सोच विचार रख रहा है और इसके पीछे बहुत लोगों का मानना यह है कि F-18 सुपरहॉर्नेट और F-21 जैसे एयरक्राफ्ट इस टेंडर में सिलेक्ट होने का संभावना घट रहा है बोल के अमेरिका इस टेंडर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, जिस वजह से अमेरिका के तरफ से टेंडर को जीतने के लिए और मजबूत और बेहतरीन एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है। तो सिंपली इससे आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि F-16 एयरक्राफ्ट के बदले अमेरिका द्वारा F-21 एयरक्राफ्ट का ऑफर क्यों किया गया था और ये एयरक्राफ्ट F-16 से कितना अलग है। इवन आप लोगों को ये भी पता चला होगा कि इस एयरक्राफ्ट को चुने जाने का संभावना कितना है। पर फिलहाल देखना यह है कि अमेरिका के तरफ से भारत को लुभाने के लिए और क्या क्या ऑफर किया जाता है और टेंडर में शामिल इन एयरक्राफ्टों को लेके अमेरिका और क्या क्या खुलासा करता है। आने वाले समय में हमें धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि इस टेंडर का
विनर कौन है और साथ ही साथ F-21 के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर दोस्तों आशा करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ और 42 क्वाड्रेंट को बरकरार रखने के लिए इस टेंडर को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स को जल्द से जल्द MMRCA 2.0 टेंडर के तहत एयरक्राफ्ट मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि F-16 या F-21 कितना बेहतरीन है और इसे चुने जाने का संभावना कितना है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।